नाम से करें वशीकरण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टोट के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। आज की वीडियो में एक और वशीकरण का प्रयोग जो बहुत ही आसान होने वाला है और शीघ्र फल देने वाला है, ऐसा प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोज़ प्राप्त होते रहे जो आपके जीवन में सफलता और जीवन में परेशानियों को दूर करने के तरीके बताते हों। आइए बात करते हैं आपको उपाय क्या करना है। अगर आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका या पति या पत्नी में किसी तरह की ऐसी बात आ गई कि धीरे 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 करके दोनों की जो मानसिकता है वो बदलती चली गई, एक दूसरे के प्रति दोनों ही बहुत निगेटिव होते चले गए और आज दोनों में दूरियां हैं, तो उस स्थिति को फिर से ठीक करने के लिए आपको यह उपाय करना है। इसके अलावा यदि अभी ऐसी स्थिति बन रही है, जैसा कि बहुत सारी राशियों के साथ ऐसी स्थिति है कि आपस में मेल जोल कम होता चला जा रहा है, पति पत्नी का संबंध बिगड़ता जा रहा है, लव लाइफ में दिक्कत आ रही है, आपका आपके प्रिय के साथ संबंध बिगड़ रहा है, तो उस स्थिति में यह उपाय करिए। कैसे करना है? 7 चावल के दाने ले लीजिए, खड़े दाने रहेंगे, टूटे नहीं होने चाहिए, भंग नहीं होने चाहिए, और एक सफ़ेद कागज़ पे अपने प्रिय का नाम लाल स्याही से लिख लीजिए। इस पे थोड़ा हल्दी लगाइए, हल्दी लगाना सूखा लगा लीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है, और उस पे वही 7 चावल के दानों को रख दीजिए। थोड़ा अलग अलग रखिएगा क्योंकि इन्हें आपको बाद में स्पर्श भी करना है। तो पहले चावल रख लेंगे नाम के ऊपर, फिर से हल्दी का छिड़काव, ऊपर से फिर से एक बार हल्दी आपको इस पे छिड़क देनी है। आंख बंद करें, 7 बार सांस खींचते हुए आपको नाम लेना है, पहले अपने प्रिय का 7 बार सांस खींचते हुए, और इसके बाद में हर एक दाने को स्पर्श करते हुए, आपको अपनी तर्जनी उंगली से स्पर्श करते हुए अपने प्रिय का नाम फिर से दोहराना है। तो ये सब कुछ मन में करना है, बोलना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके प्रिय के मन में हलचल होगी, आपके प्रिय के मन में आपके प्रति भाव जगेगा और वो आपसे बात जरूर करेंगे, आपसे ज़रूर मिलना चाहेंगे, और यह संबंध जिसमें कि कटुता आ गई थी वो फिर से मिठास में घुल जाएगा और वो व्यक्ति आपकी तरफ फिर से आ जाएगा और वसीभूत होगा आपके। तो ये उपाय है। बाद में इसका क्या करना है, इसमें एक और बात हम बता दें, अगर आपके पास फ़ोटो हो तो वो और भी अच्छा काम करेगा, तो आप उस पर नाम लिख लेना पीछे, और इसके बाद में फ़ोटो सामने रखते हुए ऊपर से हल्दी छिड़कना है सूखा, फिर चावल के दाने 7 अलग अलग रखेंगे और फिर उसके ऊपर से हल्दी का छिड़काव करेंगे, फिर प्रक्रिया वही पुरानी वाली। तो ये भी आप कर सकते हैं फ़ोटो के साथ भी। तो चाहे फ़ोटो से वशीकरण करें इसे, चाहे नाम से वशीकरण करें इसे, दोनों स्थिति में ये काम करने वाला है। तो बहुत शुभेच्छा के साथ, बहुत शुभकामना के साथ इस वीडियो में ये उपाय हम आपको दे रहे हैं, आप करिए और लाभ लीजिए और शेयर खूब कीजिए ताकि अन्य लोगों तक पहुँचे।